नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकलव्य और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल इंडिया में। दोस्तों, इवेंट चाहे जो भी हो लेकिन ग्लैमर, आकर्षण, स्टाइल हर एक इवेंट की सबसे पहली मांग होती है। दोस्तों, घर का कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या फिर कोई ऑफिस की पार्टी, शादी का मौसम हो या फिर हो कोई बर्थडे पार्टी, इन सभी इवेंट को अच्छे से मैनेज करने का कार्य करते हैं इवेंट मैनेजर। दोस्तों, आपको भी ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रमों को हैंडल करना अच्छा लगता है तो आप भी अपने शौक को बनाइए अपना करियर और बन जाइए एक अच्छे इवेंट मैनेजर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इवेंट मैनेजर क्या होते हैं और आप इस सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इस सेक्टर में कितनी सैलरी पा सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए देखते रहिए वीडियो। दोस्तों, हर रोज बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इन इवेंट को अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करना ही इवेंट मैनेजमेंट कहलाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति ऐसे इवेंट को अच्छे से मैनेज करता है, अच्छे से संचालित करता है, ऐसे व्यक्ति को हम इवेंट मैनेजर कहते हैं। इवेंट मैनेजर का कार्य होता है कि इवेंट में होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं उसको अच्छे ढंग से संचालित करना। दोस्तों, इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे YouTube फैन फेस्ट हो गया, ये भी इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। जो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जैसे फैशन शो हो गया या फिर कोई संगीत का कार्यक्रम हो गया या फिर वेडिंग फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, ये सब इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है और ये सभी आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में यह जो सेक्टर है वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो खुद किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करके उसको मैनेज कर पाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो भी उनका इवेंट होता है वो किसी इवेंट मैनेजर को दे देते हैं और उनसे अपना बजट बता देते हैं और जो भी उनको इवेंट में चाहिए वो सभी चीजें, जैसे कि कैसा डेकोरेशन चाहिए, उनको कैसा डीजे चाहिए, कैसी कैटरिंग चाहिए, कैसी लाइटें चाहिए, ये सभी चीजें वो इवेंट मैनेजर को बता देते हैं। और वो इवेंट मैनेजर का कार्य होता है कि वो किस तरह इन सभी चीजों को पेश करता है और कैसे पूरे कार्यक्रम को संचालित करता है। तो दोस्तों, इस सेक्टर में जाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यह है कि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तो आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पब्लिक रिलेशन और आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस सेक्टर में अच्छे सफल हो सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है इस सेक्टर में जाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोस्तों, आप डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं जो कि 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है। इसके अलावा BBA इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं जो कि 3 ईयर ड्यूरेशन का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके अलावा आप PGD कर सकते हैं या फिर आप MBA भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेज हैं इस कोर्स को करने के लिए। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहां पर आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, जैसे MIT यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट और नेशनल एकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सभी कुछ बेस्ट कॉलेजेज हैं जहां पर आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे एक मूवी याद आ रही है जो कि वेडिंग प्लानर के ऊपर है, जो इवेंट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। दोस्तों, जिस मूवी का नाम है बैंड बाजा बारात, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी मूवी और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मनीष शर्मा और जो इसमें एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनमें रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा है। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है शादी मुबारक और किस तरह वो इस कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें इसमें दिखाई गई है। तो आप इस मूवी को देखकर इवेंट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा मोड़ा समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इस मूवी को देखिए यदि आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं। दोस्तों, यह सेक्टर जितना सोचने में इजी लगता है वो इतना इजी शायद नहीं है क्योंकि दोस्तों इसमें टाइम का पता नहीं चलता है कि आपको कितने घंटे काम करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको रात में भी कार्य करना पड़ सकता है, दिन में भी कार्य करना पड़ सकता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी टाइम आवर बढ़ानी पड़ सकती है, तो इस तरह आपको कार्य करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यह जो कार्य होता है बहुत ही सेटिस्फाइंग कार्य हो सकता है आपके लिए क्योंकि दोस्तों जब आपको इस कार्य को करने में मजा आता है तो आप इस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आपके लिए एक अच्छा जॉब साबित हो सकता है। अब दोस्तों, आखिर में बात आती है कि आप इसमें कितनी सैलरी पा सकते हैं। तो यदि आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंतर्गत कार्य करते हैं तो आपको 30,000 रुपए कम से कम मिल सकता है या फिर उससे अधिक भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं।
दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल न भूलिए, जिससे हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।